हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है ब्यू पेरे। ये एक फ्रेंच मूवी है और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 7/10। मूवी के स्टार्ट होते ही हम रेमी नाम के बंदे को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम करता है। यहाँ पर इसे पर नाइट 250 फ्रेंच करेंसी और खाना पीना फ्री मिलता है। रेमी चाहता है वो 30 साल का होने तक एक सक्सेसफुल आदमी बन जाए। रेमी की अभी न्यू ज्वाइनिंग है इसलिए रेस्टोरेंट वाले उसे एडवांस नहीं देते। रेमी हाफ एन ईयर के बाद 30 साल का हो जाएगा। उसकी वाइफ है जिसका नाम मार्टिन है। रेमी मार्टिन का दूसरा पति है। वो एक मॉडल है लेकिन उसकी मॉडलिंग का अभी चल नहीं रहा क्योंकि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और वो रेमी के पियानो बजाने के काम को भी पसंद नहीं करती क्योंकि इस काम में वो ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं कमा पाता। उन दोनों की बातों से लगता है उन दोनों ने आज तक सेक्स नहीं किया क्योंकि वो मार्टिन से कहता है, मैंने आज तक तुम्हें बिना कपड़ों के नहीं देखा। वो मार्टिन से छुट्टी लेने के लिए कहता है ताकि वो दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, लेकिन मार्टिन मना करती है कि उसकी एक फोटोग्राफर के साथ अपॉइंटमेंट है। रेमी को लगता है मार्टिन का उसके फोटोग्राफर के साथ अफेयर चल रहा है। मार्टिन रेमी से पैसे मांगती है। रेमी अपनी सारी पॉकेट चेक करता है तब उसे वहाँ सिर्फ $30 मिलते हैं जो वो उसे दे देता है। फिर वो रेमी से पूछती है, क्या तुम्हारी कार में पेट्रोल है? इसके बाद हम अगले सीन में रेमी को कार में धक्का लगाते हुए देखते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद मार्टिन की कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मार्टिन की अपने पहले हस्बैंड से एक बेटी है जिसका नाम मेरियन है और वो अपने फादर की ड्रिंक करने की वजह से अपनी माँ के साथ ही रहती थी। जब वो स्कूल से वापस आती है तब रेमी को समझ नहीं आता वो उसे कैसे बताए कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो मेरियन से एक नोटबुक और पेन मांगता है और उसके लिए एक लेटर लिखता है और खुद मार्केट चला जाता है। जब वो वापस आता है तब वो देखता है मेरियन वो लेटर पढ़ रही है। मेरियन उससे पूछती है, ये सब मजाक है ना? रेमी उससे मना करता है। तब मेरियन कहती है, अब मेरी माँ मेरे पास नहीं है। तब रेमी कहता है, लेकिन तुम्हारे पापा अब भी तुम्हारे पास है ना? फिर वो रोने लगती है और कहती है, मैं अपने पापा के पास नहीं जाना चाहती, वो रेमी के पास रहना चाहती है। इसके बाद अगले सीन में रेमी मेरियन के फादर चार्ली को जाकर बताता है मार्टिन मर चुकी है, लेकिन चार्ली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रेमी चार्ली को सब कुछ डिटेल में बता देता है और कहता है मेरियन मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन चार्ली मेरियन को अपने साथ रखना चाहता है। रेमी कहता है उसका एक लाइफ स्टाइल है, स्कूल है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन चार्ली कहता है वो मेरी बेटी है और ये सब कुछ मुझे सोचने दो, उसका सामान पैक कर दो, मैं कल उसे लेने आ जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं मेरियन रेमी से कहती है उसे इस घर से प्यार है और वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं रह सकती। इसके बाद रेमी उससे कहता है, चलो हम स्लीपिंग पिल्स लेकर सोने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद अगली सुबह चार्ली मेरियन को लेने के लिए आ जाता है। रेमी मेरियन के डेली रूटीन के बारे में उसे समझाता है और उससे कहता है उसके ब्लू सूटकेस में उसकी मेडिकल रिपोर्ट और कुछ दवाइयाँ हैं, रिपोर्ट्स को पढ़कर उसकी अच्छे से देखभाल करना। उसके बाद ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। फिर एक दिन रेमी मेरियन को कॉल करता है लेकिन मेरियन उससे नाराज़ होती है, वो रेमी से ठीक से बात नहीं करती। रेमी उससे कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। इसके बाद हम उसे उसके काम पर देखते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम यहाँ पर बैठे हुए कुछ भी नहीं बजा रहे हो? रेमी उससे कहता है, मैं सैड हूँ। वो आदमी उससे कहता है, तो सैड म्यूज़िक बजाओ वरना तुम एक अच्छी जॉब खो दोगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं मेरियन अपने सूटकेस लेकर वापस रेमी के पास आ जाती है और वो रेमी से कहती है अब वो यहीं रहेगी, लेकिन रेमी कहता है हम लोग चार्ली से क्या कहेंगे। मेरियन कहती है हम दोनों उन्हें हैंडल कर लेंगे। इसके बाद चार्ली उसे लेने के लिए आता है लेकिन मेरियन कहती है मैं यहीं रहूंगी और अगर यहां से वापस गई तो फिर से भाग जाऊंगी। रेमी चार्ली से कहता है वो 14 साल की है, उसे डिसाइड करने दो उसे क्या करना है, लेकिन चार्ली उसकी नहीं सुनता और वो दोनों झगड़ने लगते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों शांत हो जाते हैं। मेरियन उन दोनों की मरहम पट्टी करती है। इसके बाद रेमी चार्ली को समझा कर वहाँ से वापस भेज देता है। इसके बाद मेरियन रेमी से कहती है हम दोनों खुश रहने की कोशिश करते हैं। फिर रेमी उसे बताता है उसकी जॉब चली गई है और उसके पास पैसे भी नहीं है। फिर मेरियन कहती है वो बेबी सिटिंग की जॉब कर लेगी और तुम लोगों को पियानो सिखाने का काम करो। इसके बाद एक दिन रेमी मेरियन से कहता है तुम्हारे स्कूल के ग्रेड्स काफ़ी कम हो रहे हैं, लगता है तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो। फिर वो मेरियन को सोने के लिए कहता है और उससे कहता है 15 मिनट ज़्यादा सो जाना, सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बना दूंगा, लेकिन मेरियन नहीं जाती। फिर रेमी उससे कहता है बताओ क्या बात है। मेरियन रेमी को बताती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। रेमी उससे पूछता है तुम किस तरह से अट्रैक्टेड हो। मेरियन उसके गले लग जाती है और कहती है फिजिकली।
मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं क्लास में ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए मेरे ग्रेड्स कम हो रहे हैं। लेकिन रेमी को लगता है वो अभी अपनी माँ की वजह से सदमे में है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। और हिस्ट्री जैसी बोरिंग क्लास में ऐसा होना नॉर्मल बात है। लेकिन मेरियन कहती है मुझे सारी क्लासेज में ऐसा फील होता है। रेमी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरियन उससे कहती है क्या तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो। रेमी उसे मना कर देता है। मेरियन उससे कहती है अगर तुम्हें मेरा हेयर स्टाइल पसंद नहीं है तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। लेकिन रेमी उससे कहता है ये तुम्हारे बालों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी एज के बारे में है। तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी कांड नहीं करना चाहता। मेरियन उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर अगले दिन मेरियन रेमी से कहती है उसे कोई डाउट नहीं है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है। जब भी वो उसके पास होती है तब उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रेमी जब घर पर आता है तब वो देखता है मेरियन उसके बेड पर बिना कपड़ों के लेटी हुई है। फिर मेरियन रेमी से पूछती है उसमें क्या कमी है जो उसे औरत बनने से रोक रही है। रेमी उससे कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, हम दोनों अभी कुछ करने वाले हैं। आदमी और औरत के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कांड करेंगे या नहीं। मेरियन कहती है मतलब तुम मानते हो मैं एक औरत हूँ। रेमी कहता है हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। तुम औरत हो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी बजाने लगूँ। मेरियन कहती है मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत टाइम है। रेमी कहता है फिर तुम बिना कपड़ों के मेरे बेड पर क्या कर रही हो। मेरियन कहती है वो उसके बगल में सोना चाहती है, वो उसकी बॉडी को फील करना चाहती है। क्या तुम बेड पर आ रहे हो। रेमी पूछता है फिर क्या होगा अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्या मैं तुम्हारी बजाने लगूं। मेरियन कहती है क्या तुम मुझे छोटी बच्ची समझकर अपनी बाहों में नहीं सुला सकते। रेमी कहता है मुझे नहीं पता। मेरियन कहती है तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू रही हैं, अगर तुम भी मेरे बारे में ये सब फील करते हो और अगर तुम मुझसे बताओगे नहीं तो ये मेरे साथ गलत होगा। रेमी कहता है तुम बहुत यंग हो और मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। वो यहाँ पर मार्टिन की बात कर रहा होता है जो शायद उन्हें ऊपर से देख रही होगी। फिर इसके बाद मेरियन अपने रूम में चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से वो उसके रूम में आ जाती है। वो रेमी से कहती है मुझ पर ध्यान मत दो, अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ। अगर आप लाइट बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर मुझे अपनी बाहों में भरना चाहते हो तो भर सकते हो, मैं यहाँ आपके लिए ही आई हूँ। फिर रेमी अपना पिलो अलग कर लेता है। इसके बाद मेरियन उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने के लिए मना करती है और कहती है मैं अब 14 साल की हो चुकी हूँ, और अगर आप क्यूरियस हो तो आप नोटिस कर सकते हो मेरे कितने बड़े हो गए हैं। आप वो सारे चेंज महसूस कर सकते हो जिनमें आपको इंटरेस्ट है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी लाइफ के पहले इंसान बनो जिसकी बाहों में मैं अपनी तोड़ दूँ। रेमी पूछता है तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। मेरियन कहती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हो। एक दिन मैंने आपके कमरे से मॉम की आवाज़ें सुनी थी। लेकिन रेमी सोचता है मैंने तो आज तक मार्टिन के साथ कुछ भी नहीं किया, तो फिर मेरियन ने किसकी आवाज़ें सुनी। हो सकता है मार्टिन किसी और को दे रही हो। फिर मेरियन कहती है मुझे किस करो, लेकिन रेमी उसे धक्का दे देता है और रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है। मेरियन उसे गाली देती है और कहती है हम अकेले हैं, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में एक टीचर मेरियन से बदले हुए बिहेवियर का कारण पूछता है जो स्कूल में ध्यान नहीं दे रही थी। इसके बाद चार्ली और रेमी मेरियन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है क्या वो ठीक से खाना खाती है। चार्ली रेमी से पूछता है, रेमी कहता है हाँ। डॉक्टर फिर पूछता है आप दोनों में से इसका बाप कौन है। फिर चार्ली बताता है मैं, और रेमी कहता है मैं उसकी मॉम हूँ। फिर वो डॉक्टर मेरियन को माउंटेन पर ले जाने को कहता है और कहता है शायद हवा पानी बदलने से उसकी सेहत में सुधार आए। इसके बाद चार्ली कहता है उसे अपना न्यू क्लब ओपन करना है, इसलिए वो मेरियन को पेरिस ले जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रेमी मेरियन को ट्रेन तक छोड़ने आता है। वहाँ पर मेरियन रेमी से कहती है मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, लेकिन तुम मना नहीं करोगे। फिर रेमी मेरियन को किस कर लेता है। इसके बाद रेमी को उसका लैंडलॉर्ड घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने किराया नहीं दिया होता। फिर क्रिसमस पर रेमी मेरियन को कॉल करता है। मेरियन उसे आई लव यू कहती है। रेमी भी उसे कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूँ। इसके बाद वो मेरियन के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद मेरियन रेमी से रेस्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद हम उसे रेमी के कमरे में देखते हैं। फिर वो उसके पास जाकर लेट जाती है और रेमी उसकी बजाने लगता है। फिर रेमी वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद मेरियन भी वापस आ जाती है। रेमी उसके सामने काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करता है।
वो उसे अपना नया घर दिखाता है और उससे कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ नया नहीं था और उस दिन क्रिसमस भी था। मैरियन उससे कहती है, तो फिर क्या तुम सिर्फ हॉलीडेज पर सेक्स करते हो? रेमी उसे समझाता है, मैं बस सिर्फ ये चाहता हूँ तुम अपनी एज के लड़कों के साथ डेट करो। इसके बाद हम देखते हैं मैरियन ने घर पर काफ़ी सारे लड़कों को इन्वाइट किया है और उनके साथ चिल कर रही होती है। रेमी को ये सब देखकर पसंद नहीं आता, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ चला जाता है। इसके बाद जब वो वापस आता है तब वो देखता है एक लड़का उसके साथ मजे करके वापस जा रहा है। फिर रेमी मैरियन के पास जाता है, तब वो कहती है, तुम देख सकते हो मेरी जीन्स की बेल्ट अभी तक टाइट है, इसके अंदर जो है उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। लेकिन रेमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रेमी एक बर्थडे पार्टी पर पियानो बजा रहा होता है, वहाँ पर मैरियन भी होती है। फिर घर पर आकर वो दोनों फिर से घपाघप करते हैं और अगले दिन चार्ली उनके घर पर आता है और मैरियन से कहता है, हम सब एक हैं, और रेमी को अपने क्लब में पियानो बजाने का ऑफर देता है। इसके बाद चार्ली उनसे कहता है उसे नींद आ रही है और वो अपने घर जा रहा है। उसके जाने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगाकर चूमने लगते हैं, लेकिन चार्ली फिर से वापस आ जाता है और उनसे कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे हो? रेमी उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? चार्ली उनसे माफ़ी मांगकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मैरियन रेमी को बताती है वो जिस बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही है उसे बहुत तेज बुखार है। रेमी उसके साथ उस बच्चे के घर जाता है और वहाँ जाकर वो डॉक्टर को कॉल करता है और उस बच्चे की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और रेमी उसकी दवाई लेने के लिए चला जाता है। उस बच्चे की माँ मैरियन से उसके बच्चे पर खर्च हुए रुपए के बारे में पूछती है और उसे पैसे देती है। इसके बाद रेमी मैरियन से पूछता है, वो औरत काफ़ी अच्छी है, इसका नाम क्या है? मैरियन रेमी को बताती है उसका नाम शार्लेट है और वो कहती है वो एक म्यूजिशियन है। रेमी शार्लेट में इंटरेस्ट दिखाता है, मैरियन समझ जाती है और वो अपसेट हो जाती है। फिर रेमी फिर से शार्लेट के घर पर आता है और उसके बच्चे के बुखार के बारे में पूछता है। वो रेमी को चाय ऑफर करती है और फिर ये दोनों बात करते हैं। इसके बाद वो घर पर आता है, घर पर मैरियन काम कर रही होती है और रेमी मैरियन से कहता है वो शार्लेट के घर पर चाय पी कर आया है। मैरियन पूछती है, क्या तुमने उसे किस किया? वो कहता है, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हुई। रेमी कहता है, मुझे रोक लो, मुझे छोड़ना मत, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। रेमी सो जाता है। मैरियन कहती है, मैंने सोचा था एक दिन मैं 17 साल की हो जाऊंगी और जब मैं एक औरत बन जाऊंगी तब तुम्हें मुझे बाहर ले जाने में कोई शर्म नहीं आएगी और एक दिन शायद मैं तुम्हें बेबी दूंगी, तुम हमेशा एक स्टेप फादर नहीं रहोगे। उसके बाद वो रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं शार्लेट पियानो बजा रही होती है और मैरियन रेमी भी वहाँ पर होते हैं। बाहर आकर रेमी मैरियन से कहता है वो शार्लेट के साथ पियानो में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन हमारे बारे में उसे कुछ भी मत बताना। मैरियन कहती है, एक शर्त पर, जब भी मुझे तुम्हारे हथियार की ज़रूरत होगी तुम मेरे पास आ जाओगे। रेमी हाँ कह देता है और हम रेमी को शार्लेट के घर पर देखते हैं और मैरियन चार्ली के पास चली जाती है हमेशा के लिए। घर पर आकर रेमी मैरियन को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। उसके बाद वो फिर से शार्लेट के घर पर आकर मैरियन को ढूंढने लगता है। यहाँ पर बेडरूम में शार्लेट बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। शार्लेट उससे कहती है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और शार्लेट की बेटी आकर वहाँ पर उन दोनों को वो सब करते हुए देखती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।